सिंगरौली के नेशनल हाईवे 39 पर एक बार फिर सड़क हादसा हो गया। हादसे में 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिंगरौली के मोरबा में सवारी से भरी बस निर्माणाधीन NH-39 सड़क के गड्ढे में जा गिरी। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। हादसे में करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज NCL केंद्रीय चिकित्सालय में जारी है। बताया जा रहा है, बस बरगावा से मोरबा आ रही थी, तभी बिरला गेट के सामने हादसे का शिकार हो गई। बस गड्ढे में गिरने से पूर्व ही चालक वाहन से कूद गया था और स्टीयरिंग फेल होने की बात बताई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। घटना में कुल 17 लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही विधायक रामलल वैस, अमर सिंह, सुभाष, रामचरित वर्मा अस्पताल घायलों को देखने पहुंचे। ये बस बरगवां से सिंगरौली जा रही थी। करीब 1:30 बजे के आसपास ये बस अनियंत्रित होके पलट गई है और उसमें करीब 17 लोग घायल हुए हैं। उसमें से 2 लोगों को गंभीर चोटें आई, जिसमें एक मनमाती गुर्जर है और एक तारा साहब हो गए, और इन लोगों को रेफर कर दिया गया वहाँ से। बाकी लोग इलाजरत हैं और किसी को गंभीर चोट नहीं है। बस का जो चालक था उसके द्वारा भी बातें बताई जा रही हैं, उसको भी चोटें आई हुई हैं, जानकारी लगी है। थाना प्रभारी इस संबंध में मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने सारे घायलों को अस्पताल पहुंचवा दिया था। घायलों को उपचार जारी है और आगे की वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।